प्रिय विद्यार्थियों, मैं रूपाराम व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवाड़ी। आज आपको मैं कक्षा 12 में हिंदी साहित्य के अंतर्गत संत कबीर प्रकरण के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, संत जो कबीर है, ये कक्षा 12 अनिवार्य में भी है, हिंदी साहित्य 12 इसमें भी जो पहला प्रकरण यही संत कबीर है, और कक्षा 11 के अंदर संत कबीर प्रकरण है। तो संत कबीर के जीवन के बारे में बहुत कुछ हमें सीखना है, तो आज हम संत कबीर के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कहते यौन जीवन जीने के लिए लोग जिया करते हैं, यौन जीवन जीने के लिए लोग जिया करते हैं, लाख जीवन का नहीं धीरे लिया करते हैं, अरे मौत से पहले मरते हजारों लोग जिनकी उनकी है, जो जीते जी जिंदगी को जिया करते हैं, ऐसी जिंदगी जीने वाले संत कबीर थे। देखो, संत कबीर के बारे में एक दुआ है कि संत कबीर के काशी में प्रगते नीरू के घर आए, रामानंद के शिष्य बने ने भव सागर पंथ चलाए। आज संत कबीर के प्रारंभिक जीवन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो, संत कबीर का जो जन्म है, यह संवत के हिसाब से देखा जाए तो 1398 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था और काशी में हुआ था, और मृत्यु के बारे में इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी के अंदर हुई थी और मगर नामक स्थान पर हुई थी। अब जन्म के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें तो देखिए, संत कबीर के माता पिता जिन्होंने जन्म दिया था, माना जाता है कि विधवा ब्राह्मण की गर्भ से पैदा हुए, और उनको उस विधवा ब्राह्मण ने लोकलाज के कारण उनको एक काशी के अंदर एक लहर तालाब है उसके किनारे एक चबूतरे को उन्होंने छोड़ दिया, प्रातःकाल छोड़ करके वह तो चली गई, और वहीं पर काशी में रहने वाले नीरू और नीमा जो निसंतान दंपति थे, उनके किसी प्रकार की कोई संतान नहीं थी, और वो उधर से निकल रहे थे, और प्रातःकाल उन्होंने उस लहर तारा तालाब के किनारे पर चबूतरे को, उस बालक को देखा तो देख करके बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगे कि देखो, हमारे कोई पुत्र नहीं है, आज हमें एक पुत्र मिल गया। तो उस बालक को लेकर के वो अपने घर पर लेके जाते हैं, और घर पर ले जा करके माना जाता है कि उसको एक मौलवी के पास में ले जाते हैं, और उनका नाम, अब उनके शास्त्रों के अनुसार उसका नाम कबीर रखा जाता है। तो कबीर का जो पालन पोषण है, ये नीरू और नीमा जो जुलाए थे और बुनकर का काम करते थे, और उन्होंने उनका पालन पोषण किया। तो संत कबीर बचपन से ही एक गंभीर, धीर और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, उनमें दया कूट कूट के भरी हुई थी। अब धीरे धीरे जब वह कहते हैं कि इनका जन्म एक काशी में हुआ था, लेकिन उन्होंने उनकी जो मृत्यु है एक ऐसे स्थान पर हुई थी जिन्होंने, जहां पर यह मान्यता थी कि मगर नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी, और मगर एक ऐसा स्थान है जहां पर लोगों की मान्यता थी कि जो व्यक्ति मगर में अपना शरीर त्याग देगा वह नर्क का भागी होगा। लेकिन उन्होंने उस मान्यता को दरकिनार करके उन्होंने अंतिम समय में अपने शरीर को मगर नामक स्थान पर छोड़ा। इनके माता पिता नीमा, इनकी पत्नी का नाम लोहिता, जो वह भी विधवा थी, क्योंकि समाज के अंदर विधवाओं को उस समय में स्थिति बहुत खराब थी, तो देखो उनकी माता भी विधवा और उनकी पत्नी वो भी विधवा लोहित थी, और लोहित के साथ में उन्होंने जीवन बिताया, और उनके पुत्र और एक पुत्री, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। हालांकि नाम से विदित है कमाल और कमाली, तो कमाल और कमाली कमाल के थे, उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में कबीर के समान ही ख्याति प्राप्त की। अब आते हैं भाषा, तो कहते हैं कि कबीर की भाषा है, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, हजारी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार माना जाता है कि कबीर की भाषा पंचमेव की स्थिति। कुछ विद्वान कहते हैं कि इनकी भाषा के अंदर अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे हिंदी, मारवाड़ी, राजस्थानी, गुजराती, ब्रज, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बहुत सी भाषा है, इसलिए इनकी भाषा को पंचमेव की स्थिति भी कहते हैं और संदूकड़ी भी कहते हैं, क्योंकि विभिन्न भाषाओं की का उसके अंदर संग्रह है। कहते हैं कि संत कबीर किसी विद्यालय के अंदर ली गई, वो अनपढ़ थे, लेकिन संतों की वाणियों को सुन करके और अपने निजी अनुभव के आधार पर उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना
नाम रोशन किया। कहते हैं कि इनके जो गुरु थे रामानंद जी थे, लेकिन इनके अधिकतर जो शिष्य थे रामानंद जी के शिष्य थे वो हिंदू थे, क्योंकि वो पहले उत्तर भारत में रहते, दक्षिण भारत में रहते थे, और दक्षिण भारत से जब उत्तर भारत में आए तो वहां पर काशी में आकर के वहां भी उनके लगभग माना जाता है कि 12 शिष्य थे, जिसके अंदर सर्वश्रेष्ठ कबीर का नाम सबसे ऊपर था। तो कबीर किसी विद्यालय के अंदर नहीं गए और अनपढ़ रह करके उन्होंने रामानंद जी से ज्ञान प्राप्त किया। रामानंद जी के बारे में बताते हैं, कोई कहते हैं कि रामानंद जी को पूछा गया कि क्या आपने कबीर को गुरु, कबीर को आपने शिष्य बनाया, तो उन्होंने कहा नहीं। तो कहते हैं कि एक समय की बात है कि रामानंद जी गंगा घाट पर हमेशा स्नान करने के लिए जाते थे, तो वहां से जब सीढ़ियों से उतर रहे थे तो कबीर प्रातः काल सीढ़ियों के अंदर लेट गए, और जो ही रामानंद जी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और उनका पैर कबीर के शरीर पर लग गया, और जो ही उनको एक स्थान हुआ तो उन्होंने हे राम शब्द कहा। तो माना जाता है कि कबीर ने वही शब्द हे राम को ही अपना गुरु मंत्र मान करके आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। इस प्रकार से इनकी कहते हैं कि वो अनपढ़ थे, और कहते हैं इनके बारे में बताया जाता है कि मसी कागज सुयो नहीं कलम कही नहीं आ, उन्होंने कभी भी किसी विद्यालय में नहीं गई और हाथ में स्याही और कलम उन्होंने नहीं पकड़े, लेकिन अपने आंतरिक अनुभव से गुरु की रहमत से उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त किया। इनकी शैली उपदेशात्मक व्यंग्यात्मक प्रतीकात्मक आलोचनात्मक शैली है, और वह वे किसी भी बात को कहने में कभी भी सत्य बात कहने में कभी भी पीछे नहीं, हमेशा वो सत्य के पक्षधर थे। समाज के अंदर उस समय में सुअछूत बाह्य आडंबर भेदभाव और जाति पात का बहुत बोलबाला अधिक था, तो उन्होंने उसका घोर विरोध किया कि परमात्मा ने मनुष्य को सभी एक समान बनाया है, किसी दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऊंचा या नीचा नहीं है, इसलिए उन्होंने समाज में सभी व्यक्तियों की समानता पर बल दिया, सभी पर जो हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है और सभी जीव उस परमात्मा के हैं, इसलिए हमें किसी के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन समाज के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था थी जिसके द्वारा निम्न वर्ग के लोगों के साथ में उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा उनके साथ में सुअछूत और भेदभाव का व्यवहार किया जाता था, मूर्ति पूजा की घोर विरोध थी। एक बात बताई जाती है कि कहते हैं कि पहाड़ पूजे तो हरि मिले, वह पूजू पहाड़ ताती को साथी बनिए तीस सारे संसार। संत कविता जी कहते हैं कि यदि मूर्तियों को पूजने से, पत्थर को पूजने से यदि भगवान मिल जाते हैं तो ये जो पर्वत है, ये पहाड़ है, ये पत्थर का बना हुआ, मैं पहले पूजता हूं तो भगवान मुझे मिलने चाहिए। तो उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया कि मूर्ति पूजा को पूजने से कभी भी भगवान प्राप्त नहीं होंगे। भगवान की प्राप्ति है सच्चे सदगुरु यानी सच्चे गुरु की सानिधि में रहकर ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने गुरु की महत्ता के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि गुरु गुरु दो शब्दों से बनाए, गुरु का अर्थ होता है अंधेरा और रूप का अर्थ होता है प्रकाश, तो अंधेरे से प्रकाश की ओर जो ले जाने वाली जो शक्ति है उसको हम गुरु कहते हैं, और गुरु की महत्ता को उन्होंने बहुत मध्य हद तक उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि गुरु गुरु में भाव है, गुरु गुरु में भेद, और सही गुरु चितबंधी है जो संबंध लखा भेद। कि दुनिया में देखिए छोटे गुरु बहुत से, मैं किसी की निंदा नहीं करता, दुनिया में कई प्रकार के गुरु है, लेकिन जो गुरु शब्द का भेद देता है, उस नाम का भेद देता है, जिसके सारे के खंड प्रमाण खड़े हैं उसका भेद देता है, जो उसका भेद दे करके उसके सहारे उस सदगुरु के उद्देश्य के सहारे धीरे धीरे साधना के माध्यम से धीरे धीरे आध्यात्मिक यात्रा करता हुआ उस परम सत्ता परम ब्रह्म के अंदर समा जाता है, हमारी आत्मा समा जाती है। इसलिए गुरु को उन्होंने सबसे पहले आध्यात्मिक क्षेत्र में पहली स्टेज बताई है। गुरु के बिना कोई भी जीव एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए उन्होंने देखो समाज के अंदर व्याप्त बुराई के बारे में बताया कि कैसे ने कहा बिगाड़िया जो मुंडे सो बार मन को क्यों नहीं मुंडी ने जामे परिया की बार। देखो मनुष्य कहते हैं कि मनुष्य के बारे में बताया कि आपको बालों को बार बार काटने से क्या होगा, आपको अपने मन के अंदर जो मैंने उस विकार को बाहर निकालना चाहिए, तभी आपकी मुक्ति हो सकती है। तीर्थ स्थल पर लोग जाते हैं और बाल कटा करके प्लेटफॉर्म साफ करवा करके आ जाते हैं और कहते हैं कि भगवान हमें मिलने की, लेकिन ऐसे भगवान नहीं मिलता है। भगवान तो किसी पूर्ण गुरु के का सानिध्य प्राप्त करके उससे ज्ञान की युक्ति लेकर के आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। अब यहां पे बताया गया है कि देखो गुरु को उन्होंने बहुत
महत्वपूर्ण स्थान बताया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु आध्यात्मिक दृष्टि में सबसे ऊपर है, इसलिए गुरु के बिना आध्यात्मिक क्षेत्र में एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। गुरु की मत्ता को स्वीकार किया गया है। अब कबीर की जो उनको उन्होंने जो शब्द वाणिया जो लिखी है उनका संग्रह उनके एक शिष्य है जिसका नाम है सेठ धनी धनीदास। वो एक सेठ था लेकिन संत कबीर ने उनको धीरे धीरे उनके अंदर के जो विकारों को मिटा करके धीरे धीरे एक ऐसा संत बना दिया। तो संत धनी धनीदास ने उनके शिष्य थे, उन्होंने उनके जो उपदेशों का एक संग्रह किया जिसका उपदेश पुस्तक का नाम है बीजक। और बीजक के अंदर तीन भाग है, साखी सबद और रमैनी। साखी का अर्थ होता है साक्षी, सबद का अर्थ होता है गायन और रमैनी का अर्थ है रामायण की तरह। तो उन्होंने इस बीजक के अंदर साखी सबद रमैनी का संयोजन है, संकलन है, जो संत कबीर का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है और उनके उपदेशों का संग्रह इसमें ही माना जाता है। अब आगे आता है, उन्होंने देखो बताया कि गुरु की शब्द की महिमा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि देखो संसार के अंदर जो ये खंड प्रमाण चल रहे हैं शब्द के सारे, और वो शब्द है जो आदि नाम जो गुप्त है जो बिन बुझे बिल्ला हुए, और वो शब्द है वो परमात्मा है। क्योंकि बाइबिल में बताया कि वर्ड इज गॉड एंड वर्ड मेड मैन ओन हिज इमेज। क्योंकि संसार को बनाने वाली शक्ति है तो वो शब्द है, और उस शब्द के सारे ये खंड प्रमाण चल रहे हैं। इसलिए ईसा मसीह ने कहा है कि उन्होंने भी शब्द का शब्द के बारे में बताया कि शब्द के सहारे इस सृष्टि की रचना हुई है और शब्द के सहारे इस सृष्टि का विनाश भी, इस कयामत भी इसकी तह जाएगी। तो कहते हैं शब्द की महिमा को बताया कि शब्द के बारे में बहुत कुछ बताया कि शब्द शब्द बहु अंतरा शब्द के हाथ लंबा और एक शब्द करे औषधि एक शब्द करेगा। शब्द एक तो औषधि का काम करता है, घाव का काम। इसलिए हमें अपनी वाणी को सोच समझ के बोलनी चाहिए। ऐसे इसलिए कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोए और शीतल करे ना आपको शीतल होए। कि हमें अपने मुंह से ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि जो बोलने वाला वह तो प्रसन्न हो जाए लेकिन सुनने वाला वह भी उससे और अधिक प्रसन्न हो जाए। तो वाणी की शुद्धता के ऊपर, पवित्रता के ऊपर बहुत उन्होंने बहुत कुछ होता है। इसलिए हमें अपने मुंह से ऐसे शब्दों को बाहर निकालना चाहिए, हृदय रूपी तराजू पर तोल करके ही शब्दों को बाहर निकालना चाहिए। क्यों? कि शब्द आगे जाकर के औषधि का काम करते हैं और वही शब्द एक घाव का काम करते हैं। इसलिए हमें सोच समझ करके अपनी वाणी को बोलना चाहिए। उन्होंने बताया कि गुरु बिन कोई देव नहीं, गुरु बिन कोई देव नहीं, गुरु बिन नहीं चिंतामणि रत्न रहे, सूर्य नहीं है चंद्र नहीं, गुरु बिन नहीं नागेंद्र रहे, कामधेनु नहीं कल्पवृक्ष नहीं, गुरु बिन नागेंद्र रहे, और गुरुपद जग में श्रेष्ठ है लोग गुरुपद में भगवान रहे। गुरु की महिमा के बारे में बताया है कि जो शब्द के अंदर है शब्द ही गुरु है, और वो शब्द ही धीरे धीरे जब हम आध्यात्मिक साधना के सारे धीरे धीरे जब बैठते हैं तो हमारा शरीर इस नौ द्वारों से नौ द्वार संसार की ओर टूटते हैं, जो दसवां द्वार जो दोनों आंखों के बीच में जिसको सीधे तट व्यक्त कहते हैं उसकी ओर जब हमारा ध्यान धीरे धीरे लगता है तो वे हमारी आत्मा उस आध्यात्मिक मंडलों की ओर आगे बढ़ती है और कई मंडलों से गुजरती है और कई अंदर के दृश्य दिखाई देते हैं। धीरे धीरे वह अपने परम सत्ता यानी परम ब्रह्म उस परमात्मा की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इसलिए संसार सागर से पार उतरने के लिए गुरु की मत्ता को उन्होंने स्वीकार किया। अंत में उन्होंने उनके जो उपदेश है उपदेशों को बड़े सटीक तरीके से आज जो कक्षा 12वीं के अंदर 11वीं के अंदर पढ़ाया जाता है तो उनके तीन चार जो दोहे हैं या कोई पद है या शब्द है ये कक्षा 12वीं के अंदर एक व्याख्या के रूप में आता है। और व्याख्या के मुख्य रूप से चार बिंदु होते हैं। सबसे पहले आता है संदर्भ। तो संदर्भ के अंदर आपको अक्सर क्या लिखना है कि संदर्भ के अंदर पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम। उसके बाद में आता है प्रसंग। तो प्रसंग के अंदर आपको उसमें जो बात बताई, जो पद है या जो शब्द है या जो दुआ है
तो उसमें जो सार रूप में है वो आपको दो या तीन लाइनों के अंदर लिखना है। व्याख्या है तो व्याख्या उसका सामान्य सार तो लिखना है, और विशेष के अंदर व्याकरणिक दृष्टि से किन शब्दों का प्रयोग हुआ रहा है, जैसे अलंकार है या उसकी भाषा शैली कौन सी है, कैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको इस प्रकार से व्याख्या के प्रश्न को करना है। धन्यवाद सर।